जब लगी हो बहुत ही तेजी से भूख और बनाना है कुछ वेरी वेरी फास्ट, तो ट्राई कीजिए ये मशरूम का बहुत ही आसान से बनने वाला डिश जिसको कहते हैं मशरूम स्ट्रोगनॉफ। जैसा कि मैंने बोला कि इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो पहले हमें इस तरह से मशरूम को काट लेना है और एक पैन में इसे डाल लेना है। फिर इसके बाद इसमें हमें वेजिटेबल स्टॉक्स डालना है। वेजिटेबल स्टॉक्स में थोड़ा सा नमक भी पड़ा हुआ है। इसके बाद हम इसमें प्याज को मिला लेंगे, फिर हम इसमें दो लहसुन को ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम मिला लेंगे इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी, इसे अच्छे से फिर इस डिश में मिला। फिर यहाँ पे 1 टेबलस्पून लेमन जूस मिला और थोड़ा सॉल्ट। याद रखें कि हमने जो वेजिटेबल स्टॉक्स डाला था इसमें, उसमें सॉल्ट पहले से था। फिर सब चीजों को मिला लेने के बाद में कर लेंगे गैस को स्लो, पूरा स्लो, और ढक के एक 15 से 20 मिनट पकने देंगे। फिर हम 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में मिला के रेडी कर देंगे। फिर यहाँ पे हम वो जो कॉर्न स्टार्च बनाए थे उसे इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हमें गैस से हटा लेना है, एक 2 मिनट वेट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे दही पहले मिलाना था, बट पहले मैंने पार्सले और ब्लैक पेपर मिला दिया था, तो ठीक है। अब इसमें हम हल्का सा दही मिला लेंगे, 2 टेबलस्पून से थोड़ा ज्यादा, 2 से 2.5 टेबलस्पून दही मिला के अच्छे से मिला लेंगे, है ना। फिर ये तैयार है। अब आप इसको चावल में मिला के खाएं, आपको अच्छा लगेगा। तो अगर ये डिश और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत ज्यादा लाइक कीजिए। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक आप इस चैनल के साथ जुड़ते रहो और खाते रहो, और इंडियन पापा किचन एंड मोर के साथ मस्तियां मनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।